दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम जो लोग चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, वो चैप्टर है धातु एवं अधातु। और इस चैप्टर से जितने भी वन मार्क्स वाले क्वेश्चन बन रहे थे, सारे क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो वीडियो को पूरा लास्ट जरूर देखिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर वन है, वो है हमारा कि वह ऐसा धातु का नाम बताना है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि वह ऐसा धातु का नाम बताना है जो कि चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। कौन सा धातु हो जाएगा? तो वो जो धातु हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सोडियम। सोडियम एक ऐसा धातु है, और सोडियम का क्या होता है फॉर्मूला? सोडियम का होता है Na। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि सबसे अच्छा, सबसे जो सर्वोत्तम धातु होता है, उष्मा की सर्वोत्तम चालक, उष्मा का जो सबसे अच्छा चालक होता है, वो कौन सा धातु में होता है? वो धातु का नाम बताना है। तो कौन सा धातु हो जाएगा जो कि उष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है? वो हो जाएगा हमारा धातु Ag, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है कि ऐसा धातु का नाम बताना है जो कि उष्मा का सबसे अल्पतम चालक होता है उष्मा का। और ऐसा धातु का नाम बताना है जो उष्मा का सबसे अल्पतम चालक होता है। तो कौन सा धातु है? वो है हमारा Pb, यानी कि लेड। और अगला जो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर फोर, कि एक ऐसा धातु का नाम लिखे जो हथेली पर रखने से पिघलने लगता है। एक ऐसा धातु का नाम बताना है जो हथेली पर रखने से पिघलने लगता है। कौन सा धातु है हमारा? वो है हमारा, क्या नाम है धातु का? अगर आपको मालूम होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और वैसे हम आपको बता दे रहे हैं अभी कौन सा धातु है, वो है हमारा गैलियम, जो कि हथेली पर रखने से पिघलने लगता है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फाइव, एक ऐसी अधातु का नाम लिखना है जो चमकीला होता है। कौन सा धातु है जो चमकीला होता है? वो है हमारा आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो चमकीला होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, एक ऐसी धातु का नाम लिखें जो कमरे के ताप पर द्रव्य होता है। एक ऐसे अधातु का नाम लिखना है जो कमरे के ताप पर द्रव्य होता है। कौन सा धातु है वो? वो है हमारा पारा। उसका जो सिंबल होता है, वो होता है Hg। और अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेवन, एक ऐसी अधातु का नाम लिखें जो विद्युत का सुचालक होता है। एक ऐसी अधातु का नाम लिखना है जो विद्युत का सुचालक होता है, और वो हमारा क्या हो जाएगा? जो अधातु भी है और विद्युत का सुचालक भी है। और इसका जो सही आंसर होगा, वो होगा ग्रेफाइट। और अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर एट है कि दो धातुओं के नाम बताएं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। दो धातुओं का नाम बताना है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो वो दो धातु कौन सा है? वो हमारा हो जाएगा, पहला हो जाएगा सोना। और सोना का सिंबल जो होता है, वो होता है, सोना का क्या होता है? Au। और प्लेटिनम का क्या होता है? Pt। पी कैपिटल पी और स्मॉल टी, Pt। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर टेन, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? क्वेश्चन नंबर टेन है कि सिनेबार जो है वो किस धातु का अयस्क है, वो चीज बताना है। जो सिनेबार है वो हमारा किस धातु का अयस्क है? तो जो सिनेबार है वो किस धातु का अयस्क है? वो हमारा है पारद। पारद नाम है उस धातु का, उसी का अयस्क है सिनेबार। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर टेन हो गया था, क्वेश्चन नंबर इलेवन है, एक अधातु का उदाहरण दे जो अत्यंत कठोर है। एक अधातु का उदाहरण देना है जो अत्यंत कठोर है, यानी कि सबसे ज्यादा कठोर धातु का नाम बताना है। तो कौन सा है वो? वो है हमारा हीरा।
और अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है, कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है? वैसा धातु बताना है, वैसे धातु का उदाहरण बताना है जो आसानी से, जिसका संक्षारण नहीं होता है। कौन सा धातु वो हो जाएगा? कौन कौन? पहला नंबर पे आ गया सोना, गोल्ड, और सेकंड है सिल्वर। और अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती है? ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती है? बताना है कि ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती हैं? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती है। या तो अम्लीय बनाएगी या ऑक्साइड, या उदासीन बनाएगी या अम्लीय बनाएगी या फिर उदासीन बनाएगी। और अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। और जो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है वो 7 के बराबर होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सबसे अधिक तन्य धातु का नाम बताएं। सबसे अधिक तन्य धातु का नाम बताना है। तो सबसे अधिक तन्य धातु है वो है हमारा सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डर नामक मिश्र धातु कौन कौन से अवयव होते हैं? सोल्डर जो मिश्र धातु बनता है उसमें सोल्डर क्या क्या का मिश्रण होता है? ये सिंपल क्वेश्चन हम आपको सिंपली में बता रहे हैं, इसका लैंग्वेज थोड़ा टेढ़ा है। और जो सोल्डर होता है वो सीसा एवं टिन का मिश्रण होता है। सोल्डर जो होता है सीसा एवं टिन का मिश्रण होता है। और जो लेड होता है, लेड एवं टिन का जो मिश्र धातु बनता है, लेड और टिन को जो मिलाकर बनता है वो क्या होता है? सोल्डर। लेड और टिन को मिलाकर जो बनता है वो हो गया सोल्डर। और नेक्स्ट है, ताम्र एवं जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ताम्र और जिंक को मिलाने से जो धातु बनता है उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं पीतल। और अगला जो क्वेश्चन हमारा है कि ताम्र एवं टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ताम्र एवं टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कांसा। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना बताना है कि कितने कैरेट का होता है। तो जो शुद्ध सोना होता है वो होता है 24 कैरेट का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात में कौन सी अधातु उपस्थित रहती है? नेक्स्ट जो बताना है कि इस्पात में कौन सी अधातु उपस्थित रहती है। तो इस्पात में जो अधातु उपस्थित रहता है वो हो गया कार्बन। थैंक यू। फिर इतना ही था आज का क्वेश्चन, और ये हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 था। और आगे जो क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 5 है और 4 है उसके साथ फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon.